नहीं वही मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान की बॉलिंग डिपार्टमेंट के अंदर भी आप देखें कि बॉलिंग डिपार्टमेंट डिफेंड नहीं कर पा रही है। पाकिस्तान अगर 188 चेस करने जाएगी तो वो चेस कैसे करेगी? सिर्फ रिजवान और बाबर के बल्ले से रन निकलना जरूरी नहीं है, फकर जमान भी फॉर्म में, लेकिन उसके अलावा मोहम्मद हफीज जो इतने सालों के साथ फेविकॉल लगा के चिपके हुए टीम के साथ, उनको भी रन करने हैं। वो भी रन नहीं करेंगे तो कौन रन करेगा? शुएब मलिक का टेन्योर बहुत लंबा है T20 क्रिकेट के अंदर, चाहे वो फ्रेंचाइजिस क्रिकेट हो चाहे वो पाकिस्तान के क्रिकेट हो, बट दे हैव टू डिलीवर नाउ। अभी वो डिलीवर नहीं करेंगे तो कब करेंगे डिलीवर? सो पाकिस्तान की बॉलिंग डिपार्टमेंट भी आप मेरे ख्याल से दे नीड टू, उन्होंने काम नहीं किया। देखे सब टीमों ने बहुत पहले से काम कर चुके थे, सब टीमों ने, खासतौर से अगर इंडिया की बात करें, इंडिया ने अपनी 2 से 3 टीमें बना दी है, बेंच स्ट्रेंथ काफी स्ट्रॉन्ग कर दिया, बॉलिंग डिपार्टमेंट में एक बॉलर को रिप्लेस करता है, दूसरा बॉलर लगा हुआ है पीछे रिप्लेस करने के लिए। लेकिन पाकिस्तान में वही आप एक होता है ना उसको लेके पड़े हुए, शाहिन शाह अफरीदी एक वाहिद बॉलर है जिसको आपने सारी क्रिकेट खिला दी, लेकिन उसको आपने रोटेशन पॉलिसी पर रेस्ट नहीं कराया कि भाई वर्ल्ड T20 आने वाला है उसको रेस्ट करा के उससे हमें ज्यादा से ज्यादा वर्कलोड करवाना है T20 में। आप अभी आपके पास सिर्फ और सिर्फ शाहीन ही एक ऐसा बॉलर है जो आपको विकेट लेके दे सकता है, उसके अलावा मैं नहीं समझता कि कोई ऐसा बॉलर है जो पाकिस्तान की तरफ से विकेट ले सकता है। और क्योंकि ये एक फैक्ट है, आपने स्पिनर्स को यूटिलाइज नहीं किया सही से, उस्मान कादिर जो अब्दुल कादिर साहब के बेटे हैं, जाहिद महमूद जो जिनका ताल्लुक हैदराबाद से, उसको यूटिलाइज नहीं किया आपने, उनको मैचेस खिलाया, उनको डेब्यू कराया, लेकिन उसके बाद आप फिर शादाब खान के साथ जा रहे हैं, तो शादाब खान विकेट नहीं ले रहे। अगर एक लेग स्पिनर रन्स देता है विकेट नहीं लेता है, देन वो तो बोझ बन गया है टीम पे। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान का स्पिन डिपार्टमेंट भी बहुत ज्यादा वीक है, क्योंकि आपके पास विकेट टेकर बॉलर नहीं है। इमाद वसीम और मोहम्मद नवाज जो है वो दे आर स्टॉक बॉलर्स टू कंटेन द रन्स, दे आर नॉट विकेट टेकर्स। हारिस रऊफ लीग सर्वे टू मेनी रन्स, 4 ओवर में वो चले जाते हैं, 50-60 रन दे जाते हैं, 2 विकेट लेते हैं, विच इज नॉट गुड। तो पाकिस्तान आर स्ट्रगलिंग, कोई लॉजिक नजर नहीं आती, बिकॉज MS धोनी नो डाउट इज द फाइनेस्ट कैप्टन इंडियन क्रिकेट की। सौरव गांगुली जो चेयरमैन है BCCI के, उन्होंने पहले इंडियन क्रिकेट को चेंज किया पूरा, उसके बाद फॉलोड बाय MS धोनी, जिस तरीके से उन्होंने टीम में रद्दबदल किया, टीम में चेंजेस की और टीम का पूरा सिनेरियो एक लेवल ही दूसरा कर दिया उस बंदे ने। फिर चैंपियन बने, 50 ओवर क्रिकेट का वर्ल्ड चैंपियन बना, T20 वर्ल्ड कप में चैंपियन बना, जहां पर आखिरी ओवर को जोगिंदर शर्मा से करवाते हैं, जो अभी और मेंटोर बना ना, बिकॉज दे आर लुकिंग अहेड। वो सिर्फ T20 को नहीं देख रहे हैं, जो मैनेजमेंट है दे आर थिंकिंग अहेड के मेंटोर लाके MS धोनी को, क्योंकि यंगस्टर्स है सारे और इसको एक रिस्पेक्टेबल फिगर की तरह देखते हैं, इसकी बात सुनते हैं, समझते हैं और इसको बहुत मानते हैं। जैसे ऋषभ पंत हो गया, उसके लिए कितना पॉजिटिव साइन हो जाएगा MS धोनी का ड्रेसिंग रूम में होना।